हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी कैसा। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ की तरह आज भी बात अपने विषय पर करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में हम बात कर रहे हैं वर्ब की। जैसा कि दोस्तों, वर्ब में पिछली क्लासों में मैंने पढ़ाया है, वर्ब दो प्रकार से होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब की हम बातें कर चुके हैं। जैसे कि मैंने मेन वर्ब में बात की है कि मेन वर्ब को बेसिक वर्ब भी कहा जाता है, और मेन वर्ब को कार्य के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक अगर बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और नंबर दो की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों, मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं यानी जो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी कार्य के आधार पर होता है कि यानी अगर ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी, अगर कार्य अपना ऑब्जेक्ट लेने में करेगी तो ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वही हमारी कोई वर्ब अगर अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे कि दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि हम समझ लिए हैं कि अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। और अगर जैसे अगर हम आगे बात करें तो मैंने ये भी पढ़ाया है कि हाँ दोस्तों, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं वो मूलतः अपने रूप में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होती हैं। ये इनके कार्य के अगर होते हैं, जो कार्य के आधार पर इनको हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अगर दोस्तों आगे बात करें तो आगे मैंने बताया था कि टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि दोस्तों कि वर्ब हमारी जैसे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या मैंने बताया था, जीरो इन्फिनिटिव। दोस्तों, तो मैंने बताया था कि इनमें टेंस के आधार पर इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि या तो कोई, देखो वर्ब अपने आप में, हमने ये भी बताया था, वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, लेकिन उसमें यस या ई एस जोड़ देते हैं तो हमारी वो सिंगुलर हो जाती है। ये हो था हमारा प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में जैसे कि हम देखते हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल सेट सीट। जैसे कि दोस्तों, हम जब किसी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें यस या यस जोड़ देते हैं, और क्योंकि वो अपने मूल रूप में वो प्लूरल होती है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं तो पास्ट टेंस में कर, जैसे सिंगुलर में तो हमारी बेस फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट में तो उस बेस फॉर्म होगी, लेकिन जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो हम इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी V2 फॉर्म यूज करते हैं। और जब यही पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो दोस्तों हम इसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम इसी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ING लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब इसकी बेस फॉर्म में ING लगा देंगे तो हमारी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। और अगर यही हम इन्फिनिटिव की बात करें तो दोस्तों, बेस फॉर्म में अगर हम इससे पहले 2 लगा देंगे तो हमारी ये इन्फिनिटिव हो जाएगी। और यही कारण है कि इसको टेंस के, मतलब वर्ब यही होती है, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर में, प्लूरल में, बेस फॉर्म में और ING फॉर्म में या इन्फिनिटिव में जब हम इसका यूज करते हैं तब ये हमारा यूज टेंस के आधार पर होता है। और टेंस को हमने
टेंस के आधार पर ये वर्ब पांच प्रकार से यूज की जाती हैं, जो कि हम पिछली क्लास में आप सभी को बताए हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मिस्टेक वर्स सेट को सिट पढ़ दिया था, और सिट माने होता है बैठना, और सेट में मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को एक पार्टिकुलर पोजीशन या स्थिति में उसको रखना या खड़ा करना, ये हमारा सेट का होता है SET, और SIT सेट माने होता है बैठना। और सेट दोस्तों सेट 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 होता है, यानी सॉरी सेट 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 होता है, और सिट सेट यानी SAT SAT होता है, सेट होता है। यानी हम अगर बात अगर इसको किसी पार्टिकुलर पोजीशन में हम रखने या पार्टिकुलर पोजीशन में खड़े करने की बात करते हैं तो SET सेट की बात करते हैं। इसकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, बल्कि अगर हम जब बैठने की बात करते हैं तो सिट सेट और सेट होता है। दोस्तों, हमने इतना जान लिया होगा कि मेन वर्ब को टेंस के आधार पे पांच भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ये हमारे पांच प्रकार के टेंस, पांच प्रकार की वर्ब्स जो होती हैं इन टेंसों में यूज की जाती हैं, जो कि हमने पीछे विस्तार से बात की है। अब उसके आगे दोस्तों मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होती है वो दो तरह से पुनः विभाजित की जाती है, नंबर एक रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में मैंने बताया था कि एक निश्चित टर्म एंड कंडीशन होती है। निश्चित टर्म एंड कंडीशन का मतलब होता है रेगुलर वर्ब में या तो वर्ब को सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं या डी का प्रयोग करते हैं या ईडी का प्रयोग करते हैं। अगर इनको हम सफिक्स के रूप में पीछे किसी वर्ब में जोड़ देते हैं तो हमारी वो क्या हो जाती है, रेगुलर वर्ब हो जाती है। यानी रेगुलर वर्ब बनाने के अगर हम उसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी डी या ई डी इसमें से किसी एक का यूज कर लेते हैं तो वो हमारी रेगुलर वर्ब हो जाती है। लेकिन जब यहीं पर हम अगर इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर वर्ब में ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि उसमें टी या ई या डी किसी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इनका यूज किया जाता हो। इरेगुलर में दोस्तों क्या होता है, इनकी तीन दशाएं होती हैं। नंबर एक दशा की बात करें अगर तो या तो इनकी तीनों पोजीशन समान होती हैं, जैसे मैंने सेट लिया था, ये क्या है, तीनों फॉर्म समान होती हैं। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसकी हमें दूसरे में होता है या तो जैसे कि तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से दो फॉर्म में इनकी सिमिलर होती हैं, यानी समान होती हैं। जैसे दोस्तों मैंने पिछले बताया है, जो लोग वीडियो देखे नहीं वो देख लें, और मैंने तीसरी कंडीशन इसकी ये बताई थी कि इनकी तीनों फॉर्म्स असमान होती हैं, यानी एक दूसरे से अलग होती हैं, और इसके भी बारे में मैंने बताया है। अब हम बात आगे दोस्तों करने वाले हैं ऑक्सिलरी। आज हम जो बात करेंगे वो हम ऑक्सिलरी वर्ब की करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब को हमने विस्तार पूर्वक आपको पीछे 8A, 8A, 8B, 8C करके मैंने आपको तीन क्लासें में हम आपको ये मेन वर्ब के बारे में बता दिया है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसके भी दो रूप होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों हम आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों ये सब हमको बेसिक पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता चला जाएगा। तो हम जैसे मान लिए कल को आपको पढ़ाते वक्त जब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाएगा तो
हम किसी फॉर्म को अगर रेगुलर वर्ब बोल दें या इनट्रांजिटिव वर्ब बोल दें या ट्रांजिटिव वर्ब बोल दें या इररेगुलर वर्ब बोल दें, तो दोस्तों आपको गलती से नहीं समझ में आया कि यार ये इररेगुलर क्या होता है या रेगुलर क्या होता है, सर हमको बार बार मतलब एक वर्ब को तरह तरह के नाम से लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको इसीलिए विस्तार से बताए हैं, और क्योंकि हम कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ना पढ़ें तो उसके मूल रूप से लगा करके उसके पीक तक हम जाने, क्योंकि दोस्तों कोई भी जब हम पूरा नीचे से ऊपर तक जानते होते हैं तो हमसे उतनी ही कम गलतियां होने के चांसेज होते हैं। दोस्तों ये हम आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, और अगर दोस्तों हम आपसे एक प्रॉमिस भी करते हैं कि हम आपको वन डे एग्ज़ाम, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे NDA जो भी हो, और ऑल अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं, हम इतना आपसे वादा करते हैं कि मैं आपको पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा, और उस प्रॉमिस पूरी ग्रामर से आपको एक भी क्वेश्चन आपको ग्रामर का अगर आता है तो वो ग्रामर से मेरे पढ़ाए द्वारा आपको बाहर से ना मिलेगा, जबकि मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपको सारा सारा पूरा मेरे ग्रामर से ही मिलेगा। मैं आपके इसके लिए दावा करता हूँ दोस्तों, बस आपकी एक कंटिन्यूटी, आप मेरे वीडियो को प्रॉपर देखते रहिएगा और समझते रहिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा। दोस्तों ग्रामर एक थ्योरी होती है, जो थ्योरी हमको क्या होता है कि उसको केवल पढ़ लेना होता है, और कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ चीज़ें हमको याद करने की ज़रूरत होती है, और हम इसको अगर समझ लेंगे दोस्तों तो ये मैं वादा करता हूँ कि अगर हमारे द्वारा जितनी क्लासें मैं बता रहा हूँ अगर सारी पढ़ रहे हो आप, तो आने वाला आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में ग्रामर से अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए दोस्तों, तब इसके लिए मैं वादा करता हूँ कि वो नहीं जाएगा, और मैं आपको ग्रामर समाप्त करते ही आपको वर्ड पावर द हिंदी न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपको वर्ड पावर और साथ में आपकी वकेब के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश लर्निंग मतलब ग्रामर जो क्या बोलते हैं इसको जो है पेपर लर्निंग है वो भी आपको आ जाएगी। और दोस्तों जब आपको पेपर लर्निंग हो आएगी जब दोस्तों तो पेपर रीडिंग जब हो आएगी आपको, तो दोस्तों पेपर रीड जब आप कर लेंगे तो आपसे PQRS, पैरा जंबल ये सब आपसे बहुत ही स्मूथली हल हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अब हम बात आज करने वाले हैं ऑक्जिलरी वर्ब की, और आज आप लोग हेडिंग बनाइए नेक्स्ट पेज पे ऑक्जिलरी वर्ब। दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर आगे बढ़ें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑक्जिलरी वर्ब को, यानी ऑक्जिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। दोस्तों ऑक्जिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसकी ये सहायता करती है। कौन? हेल्पिंग वर्ब यानी ये ऑक्जिलरी वर्ब, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्जिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया जो मेन वर्ब की सहायता करती है ऑक्जिलरी वर्ब कहलाती है, या मेन हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और मैंने बताया है कि ऑक्जिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्जिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब। दोस्तों ये हमारी दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं। अगर हम सबसे पहले अब हेडिंग बनाएं प्राइमरी ऑक्जिलरी वर्ब, यानी जो प्राइमरी ऑक्जिलरी वर्ब होती हैं क्या होती हैं, वह क्रिया जो मेन वर्ब के एक्शन के टाइम के मूड को बताती है। यानी दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जैसे हमारी कोई हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब अगर वो हमारा टाइम बता रही है, अगर वो हमको टाइम बता रही है, मूड बता रही है, तो वो प्राइमरली ऑक्जिलरी वर्ब है। टाइम का मतलब है समय के कब घटित हो रहा है, और मूड मूड यानी उसकी मनोदशा के बारे में बात कर रही है, मनोदशा, ये मनोदशा की बात कर रहा है, यानी समय और मनोदशा को जो बताए वो हमारी प्राइमरी ऑक्जिलरी वर्ब है। लेकिन जब वही मेन वर्ब के मोड, मतलब मोड का मतलब होता है प्रणाली या ढंग, यानी उसका कार्य करने के किस कैसी प्रणाली है या कैसा ढंग है,
वो हमारी मॉडल ऑग्ज़ीलियरी वर्ब होता है। दोस्तों हम मॉडल ऑग्ज़ीलियरी वर्ब की बात हम इसके बाद करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइमरी ऑग्ज़ीलियरी वर्ब के बारे में। दोस्तों जैसे प्राइमरी ऑग्ज़ीलियरी वर्ब का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हमने प्राइमरी वर्ब अगर पहले समझ लिया है कि वह क्रिया जो मेन वर्ब के एक्शन के टाइम के मोड को बताती है, यानी किसी भी क्रिया अगर वो क्रिया है तो कोई ना कोई, यानी अगर वो मुख्य क्रिया है तो कोई ना कोई उसके अंदर एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई समय होगा, और जब कोई ना कोई समय में घटित होगी तो उसका कोई ना कोई मनोदिशा होगी, मनोदशा होगी। जैसे दोस्तों ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, यानी रीडिंग में पढ़ रहा है, यानी ये एक्शन में है, ये हमारी मुख्य क्रिया क्या कर एक्शन में है, ठीक है। इज जो है इसका हमारा, ये हमारा टाइम को बता रहा है कि पढ़ रहा था, कि पढ़ रहा है, कि पढ़ चुका है। दोस्तों तो इज बता रहा है कि ही इज रीडिंग, यानी रीडिंग में तो एक्शन है, यानी वो पढ़ रहा है, और किस समय पढ़ रहा है, इज मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यह क्या होता है टाइम को बता रहा है, यानी ही इज रीडिंग। अगर हम उसी दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज गॉन, यानी वह जा चुका है, तो क्या कैसे जाने कि वह जा चुका है, तो हैज हमारा क्या है, ये हमारा टाइम डिनोट कर रहा है कि, ये भी हमारा टाइम डिनोट कर रहा है कि वह जा चुका है, और गॉन गॉन जो है ये हमारा एक्शन क्रिएट कर रहा है। दोस्तों यहाँ भी एक्शन हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ही वाज रीडिंग, यानी वो पढ़ रहा था, पढ़ रहा है नहीं, पढ़ रहा था, तो दोस्तों वाज हमको क्या बता रहा है, पास्ट की टाइम के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ रीडिंग भी एक्शन में है, जब उस वक्त पढ़ रहा था तो एक्शन में था, सीधी सी बात है, रीडिंग भी एक्शन का कार्य उस समय कर रही थी। ही हैड गॉन, वह जा चुका था, यहाँ क्या था, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, तो दोस्तों यहाँ वर्तमान की बात कर रहा था लेकिन जा चुका है, और यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है, यानी कैसे हम जाने हैड से, और हैड हमारा पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है का काम, पास्ट मतलब पास्ट की बात करता है, तो वो हमारा क्या होता है, ही हैड गॉन, यानी वह जा चुका है, तो गॉन क्या मतलब है कि गॉन तो एक्शन का कार्य कर रहा है, यानी जब वो जा रहा होगा तो एक्शन हो रहा होगा, और जब हैड है ये हमारा पास्ट के टाइम की बात कर रहा है। दोस्तों तो हम समझ लें, हालांकि टेंस को हम जब पढ़ेंगे विस्तार से तो हम उसके बारे में जानेंगे कि जा रहा था, कि जा रहा है, कि जा चुका है, दोस्तों ये सब तो हम जानेंगे। हमारा मेन पर्पज क्या है कि हमको समझना ये था कि यहाँ पर टाइम और मोड क्या होता है, तो मोड मतलब इसके मोड एक्शन है, और टाइम यानी जिस समय वो घटित हुआ था या है या हो चुका है था। दोस्तों हमने ये समझ लिया होगा कि ही इज रीडिंग, यानी इज जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड है, और रीडिंग जो है एक्शन को बता रहा है, यानी इज जो है टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को बारे में बता रहा है, यही है जो अभी टाइम के बारे में बता रहा है, और गॉन एक्शन, ये सारी मेन वर्ब में एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में आपको एक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलता है कि किस समय वो चीज़ घटित हो रही है। दोस्तों नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। दोस्तों आगे हम नोट कर लें, नोट क्या करेंगे, प्राइमरी ऑग्ज़ीलियरी वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। दोस्तों वो प्राइमरी ऑग्ज़ीलियरी हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की, और प्राइमरी ऑग्ज़ीलियरी में तीन प्रकार में कौन कौन चीज़ें आती हैं, नंबर एक टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब, यानी नंबर एक टू बी वर्ब, और नंबर दो टू हैव वर्ब, और नंबर थ्री क्या आता है, टू डू वर्ब। टू बी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। दोस्तों टू बी वर्ब में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, और टू हैव वर्ब में क्या आता है, टू हैव वर्ब में हैज, हैव, हैड आता है, और टू डू वर्ब में आता है डू, डज, डिड। यानी हम समझ ले होंगे
कि टू बी वर्ब हमारी पांच प्रकार की होती है, इज एम आर वाज वर, और टू हैव वो तीन प्रकार की होती हैज हैव हैड, और टू डू वर्ब जो होती है डू डज डिड होती है। और अब हम हेडिंग बनाएंगे टू बी वर्ब। जैसा कि दोस्तों जान लिए होंगे हम इज एम आर वाज वर टू बी वर्ब कहलाते हैं। और दोस्तों टू बी वर्ब का यूज कहाँ पर और कैसे होता है, तो सबसे पहले हम टू बी वर्ब लेते हैं इज एम आर वाज वर। और दोस्तों इज का अगर हम और देखो वर्ब टेंस और नंबर, नंबर या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। टेंस टेंस हम बताएंगे कि प्रेजेंट का है पास्ट का है, और वर्ब में हम बताएंगे कि पांच प्रकार के मैंने टू बी वर्ब ली है, जो टू बी वर्ब पांच प्रकार की होती हैं इज एम आर वाज वर, ये हमारी पांच प्रकार के टू बी वर्ब होती है। जब भी आपसे टू बी वर्ब बोला जाए समझ लीजिए ये पांच वर्ब की बात होगी, यानी इज एम आर वाज वर की बात होगी। दोस्तों इज का हम प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी ही सी इट के साथ हम करते हैं। राम राम सीता श्याम राधा मोहन, ये सब हमारे क्या आते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, प्रयोग हमारा इज का होता है, वो भी कब प्रेजेंट टेंस में। एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है लेकिन ओनली आई के साथ होता है। दोस्तों एम का प्रयोग ओनली आई के साथ होता है जो प्रेजेंट टेंस में होता है। आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है लेकिन ये प्लूरल नंबर के साथ आता है, जैसे डे हुआ यू हुआ तो इस वी हुआ तो, या मतलब वे हुए या हम लोग हुआ हुए, तो इनके साथ क्या हमका प्रयोग होता है आर का प्रयोग होता है। और आर हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है लेकिन प्लूरल नंबर में प्रयोग होता है। यहीं पर अगर वाज की बात करें तो वाज का प्रयोग दोस्तों पास्ट टेंस में होता है लेकिन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। और इसी के साथ दोस्तों वर का प्रयोग करें तो ये प्लूरल ये पास्ट टेंस में होता है मगर प्लूरल के साथ होता है। दोस्तों हमने देख लिया होगा कि टू बी वर्ब पांच प्रकार की होती हैं। हमने सबसे पहले टू बी वर्ब की बात की, उसमें टू बी वर्ब की पांच प्रकार बात किए कौन कौन से होते हैं इज एम आर वाज वर वर, और इसका प्रयोग इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में रेगुलर नंबर में होता है, एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ओनली आई के साथ होता है, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ होता है, और वाज का पास्ट में सिंगुलर होता है, और वर का प्रयोग पास्ट में प्लूरल वर्ब प्लूरल नंबर के साथ होता है। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने नोट कर लिया होगा सॉरी देख लिया होगा। और अब दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट या डाउनलोड करना चाहें तो प्लीज कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी जर्नी अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। दोस्तों और उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। अगर हम फैन वगैरह सब बंद करके ऐसी गर्मी में आप लोगों के लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी इतना तो हक होता है कि आप लोग भी प्लीज़ इतना लाइक तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और दोस्तों ये मेरा दावा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उस एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरी ग्रामर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। और क्योंकि तो हम ग्रामर समाप्त करते ही या बीच बीच में हम आपको वर्ड पावर भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हाँ जो लोग द हिंदू पेपर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों हम जब ग्रामर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम द हिंदू न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना सिखाएंगे, और उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होंगे जो वर्ड वकैब वगैरह वो भी हम साथ में आपको बताएंगे। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर।